राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे कान में दर्द, फोड़ा फुंसी के बारे में। जैसे एक तो कान में दर्द होता है मवाद आने की वजह से, पस आता है वो। जैसे गुम जुखाम होता है जो कि हमारा कफ नास नाक से आके बल्कि कानों से बहना शुरू हो जाता है। इसके मुख्य दो तीन कारण होते हैं। इसका एक अलग उपचार होगा जो आगे वीडियो रखूंगी, लेकिन आज कान में फोड़ा फिंसी होने के कारण जो दर्द होता है, फंगस होने की वजह से दर्द होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्यों होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, यदि हो गया है तो इसका क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये फंगल इन्फेक्शन है कान का, फोड़ा फुंसी है, ये होने का मुख्य कारण क्या है? हमारी खुद की लापरवाही है। जो ईयरबड्स आते हैं, हम करते क्या हैं, इससे अपने कान साफ करने की आदत बना लेते हैं। हमारा जो कान है ऑटोमेटिक प्रकृति का ऐसे बनाया हुआ है कि इसके अंदर कोई कचरा नहीं जाता। हमें सिर्फ कान के बाहर की साइड से सफाई करनी चाहिए, ना कि अंदर, क्योंकि अंदर ऑटोमेटिक प्राकृतिक ही ऐसा बना हुआ है कि इसके अंदर बाहर का कुछ नहीं जाता। मीन वाइज यदि कुछ चला भी जाए, मक्खी मच्छर, तो आप गुनगुना पानी डाल के थोड़ी देर कान पे हाथ लगा के रखें, फिर वापस से ऐसे करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा आसानी से। लेकिन वैसे नॉर्मल कई बार लोग छेड़खानी करते हैं, खुजली होती है तो, या वैसे ही सोचते हैं साफ सफाई की वजह से। तो होता क्या है, जैसे ही कान के अंदर हम ईयरबड से सफाई करते हैं, या कोई लकड़ी से, किसी चीज से भी आप ले लीजिए, तो कान के अंदर हमारे जो हम जिसे मैल कहते हैं, वो मैल नहीं होता। वो होता क्या है, एक बचाव के लिए, जैसे हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, वैसे कान के अंदर बाहर का कचरा अंदर ना जा पाए, वैसे एक तरल चिकना पदार्थ होता है। तो जैसे ही हम साफ करने की कोशिश करते हैं, वो चिकना पदार्थ बिल्कुल पर्दे के पास चला जाता है, और पर्दे के पास जाने से अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से फिंसी भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और लगातार यदि वो उस पर्दे से चिपका पड़ा रहेगा तो हमारा पर्दा कान का अंदर से बिल्कुल खत्म हो सकता है। आप सोच के देखिए, ये बहुत ही भयानक स्थिति हो जाती है, और इतना तेज दर्द होता है, पूरा जबड़ा दर्द होने लगता है कान की वजह से। तो सभी से निवेदन है, कान की सफाई खुद से ऐसी ना करें, और बच्चों में ये आदत ना बनने दें, क्योंकि यदि एक बार ये आपकी आदत बन गई ना, तो होता क्या है, ये मैल ऑटोमेटिकली अंदर ज्यादा बनने लगती है, और फिर हमें 4-6 महीने से कान की सफाई डॉक्टर से करवानी ही पड़ती है, नहीं तो हमें सुनना बंद हो जाता है, और फिर हम देखते हैं तो मैल बहुत ज्यादा निकलती है। जो लोग अपने कान अंदर से साफ नहीं करते, उनके नहीं बनती, और जो करने की आदत बना लेते हैं, तो उनके ऑटोमेटिकली वो बहुत ज्यादा बनने लगता है। तो ये है, तो आप बच्चों में ये आदत ना बनाएं कि वो कान में कचरा साफ करने की आदत बनाएं। और यदि किसी को ये दिक्कत हो गई है, तो उसके लिए उपचार मुख्य रूप से क्या है, ये बताया तो वाग्भट जी का, राजीव दीक्षित जी का, सभी का है। ये मैंने आजमाया था, तो इसका ये रिजल्ट बहुत अच्छा है, 100% इफेक्टिव है। करना क्या है, एलोवेरा जेल लेनी है, नेचुरल एलोवेरा घर में है तो वो आप ले सकते हैं, नहीं तो तसल्ली वाली ऑर्गेनिक जेल हो, हल्की सी, उसको गर्म करनी है। गर्म कितनी, बिल्कुल गुनगुनी सी, ज्यादा गर्म नहीं करनी, और उसकी 3 से 4 बूंद आप कान के अंदर टपका के ऊपर से कॉटन लगा दें, तो दर्द ऐसे समाप्त हो जाएगा आपका, आप सोच ही नहीं सकते कि कभी कान में कोई दर्द था। और रही बात खुजली की, अब खुजली के टाइम भी हम डाल सकते हैं, नहीं तो जब स्टार्टिंग में किसी ने कभी साफ नहीं किया, वैसे नॉर्मल खुजली आ रही है कान के अंदर, तो आप करें क्या, एक बूंद डिटॉल की लें, 2 बूंद पानी की लें, उसको मिला लें, फिर 1 बूंद वो आप कान में डालें, तो खुजली बंद हो जाएगी, अंदर इन्फेक्शन कुछ नहीं रहेगा, खुजली नहीं आएगी, तो आपको वो ईयरबड से साफ नहीं करना पड़ेगा, जिससे कान की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये बताना चाह रही थी, ये नुस्खा तो उनका बताया हुआ है, लेकिन इफेक्टिव है, आप अपना सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। बचाव यही है कि कान के साथ छेड़खानी ना की जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कचरा जमा नहीं होता, जैसे ही साफ करेंगे कचरा बढ़ने लगता है, फिर हमें साफ करवाना पड़ता है।
तो ये थी जानकारी, आप साथ बने रहें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।